हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मेरे पास रोज़ बच्चे आके पूछ रहे हैं कि सर, SBI क्लर्क का एग्ज़ाम कौन सी स्टेट से फिल करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में इस बार जो वैकेंसी है, या वैसे भी हम नॉर्मल बात करें तो क्योंकि हरियाणा एक उतना बड़ा स्टेट नहीं है, तो हमेशा से ना हरियाणा में जो वैकेंसी रहती हैं कम रहती हैं। और आप सबको पता है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, और साथ ही साथ बच्चे यूजुअली जो रह जाते हैं ना, वो मतलब बहुत बच्चे आगे मेरे पास कहते हैं सर 0.25 से रह गया, या सर 0.5 से रह गया। तो ये चीज़ ना बड़ी बड़ी फील होती है, बच्चे को भी फील होती है, खुद को भी फील होता है कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद थोड़े से पॉइंट से मैं रह गया। ठीक है, तो जब इतना सब करने के बावजूद आप जब रह जाते हो ना, तो थोड़ी सी फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना, हम इसी सब चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपको SBI क्लर्क की वैकेंसी जो आई है उसके लिए कहाँ से अप्लाई करना है। वैसे तो देखो दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, मतलब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, फिर तो आप कहीं से भर दो, आपको एक ही सीट चाहिए। कहीं पे 150 सीट हैं या कहीं पे 30 सीट हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक सीट चाहिए। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप कहीं से भी फिल कर सकते हो। लेकिन फिर एक बात और बताता हूँ कि बेटा, आज की डेट में ना थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क कर लिया जाए, इजीली अगर कोई चीज़ मिल सकती है जहाँ पे रिस्क कम हो, तो हमें रिस्क को हेज भी करना चाहिए, रिस्क को पहले ही अवॉइड कर देना चाहिए। तो रिस्क अवॉइड करने के लिए आज मैं कुछ डेटा लेके आया हूँ आपके सामने कि कौन सा डेटा है, कैसे कहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आज हम ना ईयर वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 16 में SBI कलर की वैकेंसी आई थी, 18 में SBI कलर की वैकेंसी आई थी, 19 में SBI कलर की वैकेंसी आई थी। मेरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, और मुझे ये देखिए मतलब पाई चार्ट बना के दे दी है कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी कब थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 16 के अंदर क्योंकि हम हरियाणा में बैठे हैं, तो मैं अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर 16 में देर वर ओनली 160 वैकेंसीज। अगर आप इस बात को देख पा रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ 160 वैकेंसीज थी। ठीक है जी, बात करें अगर राजस्थान की तो यहाँ पे सिर्फ 71 थी, और पंजाब में सिर्फ 81 थी। मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस में 100 वैकेंसीज, 200 वैकेंसीज भी कहीं पे नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यूपी की, तो यहाँ पे 598 वैकेंसी, 503, 300, 311, मैंने कुछ मतलब ऐसा वैकेंसीज उठाने की कोशिश की है जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज थी। हिमाचल प्रदेश भी जो हमारे बिल्कुल बगल में है, वहाँ पे भी सिर्फ 95 वैकेंसीज थी। लेकिन यही डाटा जब 2018 में आया, 2016 के बाद 2018 में आया, अक्सर SBI जो है ना 2 साल में एक बार एग्ज़ाम करवाता आया, लेकिन इस बार पहली बार है कि SBI ने 18 के जस्ट बाद 19 में भी एग्ज़ाम करवाने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं पता कि ये इलेक्शंस ईयर होने के कारण ऐसा हो रहा है या किस कारण से हो रहा है, आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग कि इस साल एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, मैं उस चीज़ में नहीं घुसना चाहता। तो बच्चे इधर 2018 में अगर देखो तो गुजरात में 500 वैकेंसी हो गई, महाराष्ट्र में जो पहले 300 वैकेंसीज थी ये 730 हो गई थी, यूपी की वैकेंसीज जो पहले 598 थी वो 454 हो गई, हरियाणा की वैकेंसीज 160 से 85 हो गई, राजस्थान की वैकेंसीज थोड़ी सी बड़ी 100 हो गई। अल्टीमेटली ये वैकेंसीज का वो था। ऐसे 2019 की अगर आप बात देखो तो एक वॉपिंग डिफरेंस आपको दिखाई देगा यूपी की वैकेंसीज में। यूपी के अंदर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 1197 अराउंड 1200 वैकेंसीज हैं वहां पे। ठीक है, राजस्थान की वैकेंसी जो 71 या पीछे 100 तक थी, इस बार राजस्थान की वैकेंसीज भी 600 वैकेंसीज हो गई हैं। ठीक है, हरियाणा में कोई खास फर्क नहीं है, 160 पहले थी, 85 पहले थी, पिछले साल थी, और 152 हैं, तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन पंजाब में भी एक अच्छा डिफरेंस है, 81, 132 एंड 337। तो अगर मैं बात करूँ ना तो वैकेंसीज के मामले में यूपी, राजस्थान और पंजाब, हमारे पड़ोस की हम जब बातें करते हैं, हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज बढ़ी हैं लेकिन 132 वैकेंसीज हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं हमारे अड़ोस पड़ोस की बात करूं, कोई बच्चा ये सोचे कि सर मुझे बाहर जॉब तो करनी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अड़ोस पड़ोस में ही जॉब मिल जाए, तो यूपी, राजस्थान और पंजाब जो है ना, ये हमारे एक अच्छे ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन क्लरिकल एग्जाम में ना एक दिक्कत और आती है बच्चों, वो दिक्कत क्या आती है, वो आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपकी 10th की मार्कशीट में वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जैसे हमारा हरियाणा हिंदी भाषित क्षेत्र है ना, हरियाणा हो गया आपका, यूपी हो गया आपका, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब नहीं सॉरी, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ऐसे ही MP हो गया,
ये जो है ना यहाँ पे हिंदी चलती है, तो यहाँ पे हिंदी की ज़्यादा टेंशन, मतलब हिंदी आपको आती है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके 10th में हिंदी आपके सब्जेक्ट थी। लेकिन पंजाब में अगर चले जाओ तो बच्चों आपको पंजाब में पंजाबी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होता, बट स्टिल उसके लिए आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैंने कई बार नोटिस किया है कि बच्चों को इंग्लिश सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो सेम वे में पंजाबी सीखना पड़ जाए, या गुजरात में क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं, या महाराष्ट्र में वैकेंसीज ज़्यादा हैं, बच्चे सोच लें कि महाराष्ट्र चलते हैं या गुजरात चलते हैं, तो यहाँ पर या पंजाब में एक फैक्टर दिमाग में रखना पड़ेगा, वो यही कि हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करना है, ठीक है। तो ये तो वैकेंसी वाइज बात हो गई। अब एक बारी पास्ट ईयर्स की ना कट ऑफ्स पे बात करते हैं कि पीछे कट ऑफ्स क्या रही हैं। तो अगर 2016 की बात करूँ ना, तो बच्चों 2016 के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये प्री की कट ऑफ है, ये जो सेकंड पाई चार्ट है ये प्री कट ऑफ है, ये वैकेंसीज हैं, और ये मेंस की कट ऑफ है जो थर्ड पाई चार्ट है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसके अंदर जो प्री की कट ऑफ है, तो गुजरात की जो कट ऑफ है ना बच्चों बहुत बहुत कम है, दैट इज़ 42। अगर हम कंपेयर करें हरियाणा से, हरियाणा की कट ऑफ 61 है, लगभग 20 नंबर का डिफरेंस है। राजस्थान की कट ऑफ 64 है, ठीक है, और यूपी की कट ऑफ 51 है, ठीक है, बिहार की कट ऑफ भी 51 है, महाराष्ट्र की भी 51 है, आंध्र प्रदेश, और ये एक छत्तीसगढ़ का फैक्टर देख लो। मैंने छत्तीसगढ़ इसीलिए उठाया क्योंकि छत्तीसगढ़ की कट ऑफ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ी बच्चों सीखना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी, और आई गेस छत्तीसगढ़ जो है ना अभी उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, तो वहाँ पे जाके रहना भी पसंद नहीं करेंगे आप लोग। तो छत्तीसगढ़ और अगर एपी आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो ये तो हमें दिमाग से ही निकाल देने चाहिए। हिमाचल प्रदेश इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि ये इसमें सीट्स जो हैं वो नहीं हैं। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में देखो उस टाइम पे जब 2016 में 51 की कट ऑफ गई तो 503 वैकेंसीज थी, तो 503 वैकेंसीज में कट ऑफ तो अपने आप कम होगी। जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होगी बच्चों 598 थी तो 51 वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन हरियाणा में सीट कितनी थी 160, इसीलिए 61 कट ऑफ है, ठीक है ना। थोड़ा सा सीट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करें गुजरात के बच्चों, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन नज़र आता है क्योंकि गुजरात के अंदर सीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस यूपी में 600 सीट थी, लगभग डबल सीट थी, बट उतनी वो नहीं आई। गुजरात के अंदर 42 की कट ऑफ थी। उसका रीज़न क्या है बच्चों? गुजरात जो है ना एक डेवलप्ड स्टेट है, और वहाँ पे लोग ना नौकरी और खासकर ऐसी क्लेरिकल एंड ऑल इस टाइप की नौकरी करना पसंद नहीं करते, वहाँ पे लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो इस कारण से वहाँ पे जो है ना लोग इतना ज़्यादा कंपटीशन इन सब चीज़ों में नहीं है, तो कट ऑफ कम जाती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो गुजरात की ही कट ऑफ अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी सिर्फ 115 की कट ऑफ है, जबकि हरियाणा की कट ऑफ 137 की है। बच्चों यहाँ पे भी लगभग 20 नंबर का डिफरेंस है। यही कट ऑफ राजस्थान में 136 की है, यूपी में 132 है, बिहार में बच्चों ये जो एरिया है ना हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार, ये यहाँ के लोग ना थोड़े से ना पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा हो गए। पहले क्या होता था, हर जगह सिर्फ आपको बिहार और यूपी के बच्चे मिलते थे, जहाँ भी देख लो, यूपीएससी देख लो, बैंकिंग देख लो, एसएससी देख लो, हर जगह आपको यूपी और बिहार के बच्चे मिलते थे। लेकिन आज की डेट में अगर यूपी और बिहार को कोई टक्कर दे रहा है तो बच्चों हरियाणा है, ठीक है। तो हरियाणा का बच्चा जो है ना वो टक्कर दे रहा है। पंजाब में भी बहुत ऊपर चली गई, 138 चली गई, ठीक है। हालांकि छत्तीसगढ़ जो देखो 22 नंबर की थी, वहाँ पे 121 की है। गुजरात बच्चों थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है, 115 नंबर। महाराष्ट्र भी एक अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अगर हम 2016 की बात करते हैं। 2016 से एक बारी 2018 पे बढ़ते हैं। 2018 में अगर आप ध्यान से देखो तो भाई प्री की जो कट ऑफ है वही सेम है, सेकंड वाला जो है वो प्री की कट ऑफ बता रहा है, थर्ड वाला मेंस की कट ऑफ, और ये वैकेंसी बता रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों हरियाणा की जो कट ऑफ है ना वो 71 है, ठीक है, और 71 की कट ऑफ में क्योंकि सीट भी बच्चों कम है, सीट कितनी है 85 सीट्स है यार सिर्फ, ठीक है। राजस्थान की कट ऑफ 69 है, 100 सीट्स थी, थोड़ी सी ज़्यादा सीट होगी तो कट ऑफ कम हो गई, ठीक है। यूपी की सीट्स 454 थी, कट ऑफ 69 थी, ठीक है, थोड़ी सी कम थी बच्चों। लेकिन फिर से वही गुजरात को अगर ध्यान से देखो 500 सीट के साथ 57 की कट ऑफ है। हरियाणा से अगर फिर से जाओ तो लगभग 15 नंबर का फिर से डिफरेंस है। महाराष्ट्र में भी सेम कहानी है, महाराष्ट्र में भी 57 की कट ऑफ है। लेकिन छत्तीसगढ़ अगर आप ध्यान से देखो वो 22 नंबर वाला 67 पे पहुंच गया, हरियाणा के बिल्कुल नज़दीक। क्यों पहुंच गया? क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट ईयर ना, देखो बच्चों होता है ये लोग दिमाग लगाते हैं इस चीज़ों पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया और अपना छत्तीसगढ़ पहुंच गए एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है।
तो इन सब चीजों को ध्यान रखने की बात है। लेकिन लेकिन अगर हम मेंस की कट ऑफ पे आए ना, तो फिर से देखो हरियाणा की कट ऑफ 99 है, हरियाणा में 99 की कट ऑफ है, पंजाब में 100 की कट ऑफ है। पंजाब देखो 71.5, यहाँ पे 100.7, और छत्तीसगढ़ 91। या छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तो मेरे हिसाब से निकाल ही देने चाहिए, लेकिन एमपी देखो बच्चों 92, इधर भी एमपी देखो बच्चों 66। एमपी में भी कट ऑफ कम है, लेकिन गुजरात फिर से 15 नंबर पीछे हमसे, महाराष्ट्र 15 नंबर लगभग पीछे हमसे, हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ लगभग बराबर है, बिहार की लगभग बराबर है, यूपी की लगभग बराबर है। हालांकि 2-3 नंबर का देखो जो एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं ना, उनको मार्जिन मिल रहा है यूपी के अंदर। ठीक है, तो ये बातें कुछ 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 इशारा करना चाहिए इन बातों से। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, महाराष्ट्र में सीट कितनी है, 730, कट ऑफ कम है। गुजरात में सीट कितनी है, 500, कट ऑफ कम है। ठीक है, बिहार में सीट है 229, सीट कम हो गई तो कट ऑफ बढ़ गई। ठीक है, यूपी में सीट कम हुई तो कट ऑफ यहाँ पे भी बढ़ी है। लेकिन अब हमें पिछले डेटा से क्या लेना देना है, हमारे पास तो ये डेटा है, हमें तो ये देखना है कि 2019 में मुझे क्या करना है। तो बच्चों 2019 में जो बच्चे गुजरात जाने की बात कर रहे हैं ना, या महाराष्ट्र से भरने की बात कर रहे हैं, मैं उनके पहले उनके पास एक और ऑप्शन पहले दिखाना चाहता हूँ। वो ऑप्शन है देखो, क्योंकि हम हरियाणा में बैठे हैं, तो हरियाणा में बैठे हुए तीनों हरियाणा के नज़दीक देखो, पंजाब, राजस्थान, यूपी, और मैं अगर बात भी करूं तो एमपी। तो पंजाब, राजस्थान, यूपी और एमपी में अगर आप सीट्स देखो ना, तो हरियाणा से हर जगह देखो, राजस्थान के अंदर लगभग 4 गुना सीट है। ठीक है, इसके अंदर तो 8 गुना के अराउंड सीट हो रही है यूपी के अंदर, पंजाब में भी लगभग डबल सीट्स हैं, और एमपी में भी डबल से ज़्यादा हैं, ट्रिपल के अराउंड हो रही हैं। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो ना, तो मेरे को जो बेस्ट ऑप्शन दिखाई देते हैं, वो दिखाई देता है कि यूपी और एक दिखाई देता है राजस्थान। ठीक है, यूपी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ आज की डेट में यूपी को। अगर आप हरियाणा से, मैं बात फिर से वही कह रहा हूँ बच्चों, कि अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, मैंने इतना पसीना बहा लिया है काम करते हुए कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से, फिर तो मैं आपको फिर वही कहूँगा हरियाणा भर दो भाई, अपने घर में तो रहोगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं मन के अंदर अभी डाउट है कि हाँ नहीं, मेरी मेहनत कम है, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मेहनत जिस दिन बढ़ा दोगे ना, उस दिन ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग ने बार बार पूछा, तो मैंने कहा यार चलो बता देता हूँ, थोड़ी सी गाइडेंस देनी ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भैया मेरा मानना तो ये है, आज की डेट में यूपी बेस्ट चॉइस है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र भी अच्छी चॉइस है, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं, कट ऑफ कम रहने के चांसेस हैं। लेकिन बच्चों इन दोनों के अंदर ना, गुजरात और महाराष्ट्र में वही प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ना, वो कहीं कल को दिक्कत ना दे जाए कि सारा कुछ हुआ और पेपर फिर भी क्लियर नहीं हुआ। बिहार का ऑप्शन वैसे ही हटा देना, वैसे ही रहने लायक स्टेट भी नहीं है, मतलब उतना डेवलप्ड नहीं है, तो बिहार हटता है। एचपी में भी सीट हमारे से ही कम है, तो यार हमें तो वैसे ही नहीं जाना। छत्तीसगढ़ भी देख सकते हो सीट ज़्यादा है, लेकिन मेरा मानना है कि रहने दो। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भूल जाओ, बात बचती है। देखो मैं बच्चों अगर ऑप्शन बताऊं, तो पहला ऑप्शन ना मेरे पास यूपी नज़र आता है, क्योंकि सीट ज़्यादा है बच्चों। अगर आपके पास 150 सीट है, तो उनके पास 1200 सीट है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि यूपी रहने लायक नहीं है या कुछ नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, तो बच्चों डेवलपमेंट धीरे धीरे सब जगह हो रही है, और आपने जाके जॉब करनी है। और आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप कहीं पे जॉब कर लोगे ना 2-3 साल, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो वाइड हो जाते हैं, और जब वाइड ऑप्शंस होते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो गुजरात और महाराष्ट्र जो लोग भरना चाह रहे हैं बच्चों, मैं पहले यही कहना चाहूँगा, लैंग्वेज का इशू ना आए। ऐसा करना पड़ेगा आपको 1.5-2 महीने, आपको मतलब जब भी आपका मेंस का टेस्ट क्लियर होने की उम्मीद लगती है आपको, तो आपको वहाँ पे जाके गुजराती या मराठी आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर बात करूँ यूपी, राजस्थान और एमपी की, तो यूपी में हिंदी चलेगी, राजस्थान में हिंदी चलेगी, एमपी में हिंदी चलेगी, यानी आपको आगे का बर्डन लेने की टेंशन नहीं है। ठीक है, तो पहली चॉइस मैं जो अब आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मानना यह है कि आपको यूपी से भरना चाहिए। सेकंड चॉइस, सेकंड प्रेफरेंस जो होनी चाहिए, वो राजस्थान होनी चाहिए, और थर्ड प्रेफरेंस एमपी होनी चाहिए। पंजाब भी एक प्रेफरेंस में रखा जा सकता है।
हाँ, लेकिन अगर आप यूँ सोचते हो कि नहीं सर, गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि वैकेंसी वहाँ भी ज़्यादा है, अगर आप लैंग्वेज सीखने के इच्छुक हो, यूँ लगता है कि ना सर, 1 महीना भी मिल गया, 15 दिन भी मिल गए, तो मैं लैंग्वेज को सीख के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्लियर कर जाऊँगा एग्ज़ाम, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजीली महाराष्ट्र और गुजरात भर सकते हो, ठीक है। लेकिन यूपी मुझे बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप लैंग्वेज की इशू नहीं लेना चाहते, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस महाराष्ट्र होनी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस गुजरात होनी चाहिए, ठीक है। और गुजरात बच्चों, वैसे एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि गुजरात में डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, तो गुजरात रहने लायक भी अच्छी जगह है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप हिंदी भाषित प्रदेश से हो, आपके पास हिंदी ऑलरेडी आपकी 10th में रही होगी, तो आपको यूपी, राजस्थान और एमपी जो है ना, ये अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं फिर से, मेरी फर्स्ट चॉइस, मैं आपको वही बताना चाहता हूं, यूपी भर दो, सेकंड चॉइस राजस्थान है, थर्ड चॉइस एमपी है, लैंग्वेज सीखने के इच्छुक हो तो महाराष्ट्र और गुजरात भी भर सकते हो, ठीक है। चॉइस इन्हीं में से है, लेकिन मैं आपको वही कहूंगा यार, भर दो यूपी, बिना टेंशन लिए यूपी भर दो, तैयारी करो जी भर के और पेपर क्लियर कर दो इस बार, मतलब कोई कसर मत छोड़ो। वैकेंसीज आई हुई हैं, अच्छी वैकेंसीज मिली हैं यूपी में, इतनी वैकेंसी अभी तक पिछले 2 सालों में नहीं आई थी जितनी वैकेंसी इस बार मिल रही हैं, ठीक है। देखो इस बार 1197, हम एक बार ध्यान से देखें तो यूपी में 598 थी, यूपी में 454 थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज 1197 हैं। इतनी वैकेंसी राजस्थान में भी कभी नहीं आई थी, राजस्थान में 71 थी, राजस्थान में 100 थी, राजस्थान में 600 है। तो मेरी मानो तो राजस्थान भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूपी और राजस्थान में से एक ऑप्शन चूज कर लो, और जहां आपका मन भरे यूपी और राजस्थान, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जहां आपका मन करे वहां भर दो, लेकिन बच्चों तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और तैयारी के लिए भी मैं आपसे एक बार, आप फॉर्म भर लो, उसके बाद मैं आपसे तैयारी के लिए भी डिस्कशन करूँगा, मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों से भी मिलवाऊँगा जिन बच्चों ने SBI का पेपर क्लियर किया है, उन्होंने कैसे तैयारी की, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उनसे भी मिलवा सकूँ, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग मानना यह है, यूपी और राजस्थान आपकी चॉइस होनी चाहिए, इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू, लेकिन पढ़ाई करना मत छोड़ना, ठीक है, और वीडियो लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है जी। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।